नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के दोनों ही मुकाबलों में जमकर रन लुटाए। पुणे में शुक्रवार को खेला गया सीरीज का ये मुकाबला उनके करियर की सबसे महंगी गेंदबाजी का गवाह बना। टेस्ट में उनकी जगह नहीं बन रही है और T20 में वो टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में ये मैच कहीं उनके लिए आखिरी वनडे मैच न साबित हो जाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में महंगे साबित होने वाले कुलदीप यादव को इस मैच में तो जमकर छक्के पड़े। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 336 रनों का विशाल स्कोर बनाया था, लेकिन भारतीय गेंदबाज इसका बचाव नहीं कर पाए। कुलदीप ने अकेले 84 रन लुटा दिया और अब इतने महंगे साबित होने के बाद उनके लिमिटेड ओवर फॉर्मेट से विदाई हो सकती है। पहले वनडे में कुलदीप ने 9 ओवर में 68 रन खर्च कर दिए। उनको इंग्लिश बल्लेबाजों ने 4 छक्के और 5 छक्के ठोके थे। दूसरे मैच में उनका हाल और भी बुरा रहा। यहां उनकी गेंदबाजी पर 8 छक्के और 3 चौके पड़े। कुलदीप को ना तो पहले मैच में विकेट हासिल हुआ और ना ही दूसरे मुकाबले में भी वो किसी बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब हुए। कुलदीप ने दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी प्रदर्शन किया, ये उनके करियर का सबसे खर्चीला प्रदर्शन था। इससे पहले उन्हें पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 84 रन लुटाए थे। इस मैच में उनको 2 विकेट मिले थे, लेकिन शुक्रवार को मैच में उन्होंने ना तो पूरे 10 ओवर गेंदबाजी की और ना ही विकेट हासिल किए, लिहाजा ये उनके करियर का ये अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुलदीप यादव इस दोनों ही मैचों के दौरान निचले क्रम के बल्लेबाजों तक को आउट नहीं कर पा रहे हैं। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के होते हुए टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं। इन दोनों के उपलब्ध नहीं होने पर भी कप्तान कोहली कुलदीप पर भरोसा नहीं जता पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वॉशिंगटन सुंदर को उनके रहते डेब्यू करने का मौका मिला। इंग्लैंड के खिलाफ पहले शहबाज नदीम को मौका दिया गया, इसके बाद अक्षर पटेल को डेब्यू कराया गया था। T20 में कुलदीप काफी पहले बाहर हो चुके हैं, ऐसे में उनके लिए आगे की राह मुश्किल नजर आ रही है। आपको बता दें, सीरीज का तीसरा ODI मैच 28 मार्च को पुणे में ही खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।